महाराष्ट्र के पालघर में एक बड़ा हादसा हो गया। वैतरणा नदी में 20 श्रमिकों को ले जा रही एक नौका पलट गई, जिसके बाद कम से कम 2 व्यक्ति लापता है और 18 लोगों को बचाया गया है। मजदूर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगी कंपनी की नौका 20 समुद्र में पलट गई। परियोजना के तहत नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। जब नौका नदी के बीच में थी तब वो 20 समुद्र में पलट गई, जिसके बाद सभी श्रमिक नदी में गिर गए। इस घटना के बारे में पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन को सूचित किया गया है, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि अब तक 18 श्रमिकों को बचाया गया है और 2 की तलाश लगातार जारी है। उन्होंने ये बताया कि स्थानीय लोगों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के सदस्यों की मदद से बचाव अभियान लगातार जारी है।